आज का व्लॉग जो है वो दिल्ली जामा मस्जिद से स्टार्ट हो रहा है। सो भाई लोग, अभी हम आ चुके हैं इसके टॉप मीनार के टॉप पे और यहाँ से आप पूरी दिल्ली का व्यू एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो दिल्ली जामा मस्जिद से स्टार्ट हो रहा है। 4 दिनों से मैं दिल्ली में हूँ और आज रमज़ान की 3री जुमा है, तो मैं नमाज पढ़ने आया था। मैंने सोचा आप सबको भी जामा मस्जिद घुमाते हैं पूरा, आप सबको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे जितना हमें पता है, जितना हमसे हो सकता है दिखाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे इस मस्जिद में क्या चीज़ें हैं, कब बनी है, किसने बनाई है, कैसे बनी है, जितना हमसे हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ले चलते हैं आपको मस्जिद के अंदर। सो भाई लोग, अभी हम जामा मस्जिद के अंदर एंटर हो चुके हैं और गेट नंबर 2 से हम अंदर एंटर हुए। टोटल जामा मस्जिद में जो मेन गेट है वो 3 है और जो टोटल होंगे वो 10 से 12 होंगे। बट बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो सबसे पहले हम अपने शूज का कुछ जुगाड़ करेंगे, हम पहले अपना शूज कहीं पर रख देंगे। सो भाई लोग, अभी हम आ चुके हैं जामा मस्जिद के अंदर और ये जो जामा मस्जिद है इसकी जो बुनियाद रखी थी वो रखी थी शाहजहाँ ने। 1650 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, जिसको कि 5 साल के बाद ये मस्जिद रेडी होगी। तो इस मस्जिद को बनाने में उस टाइम में 5000 मजदूरों ने दिन रात काम किया और 5 साल के बाद ये रेडी हुई। और इस मस्जिद को बनाने में 10 लाख का खर्चा आया है उस टाइम में, वो आज की डेट में आप समझ लो कि हज़ारों करोड़ हो गया। इसके जो पहले इमाम रखे गए थे इस मस्जिद के, सईद अब्दुल गफूर, तो वो इस मस्जिद के सबसे पहले इमाम थे। ये मस्जिद जो है 27x80 मीटर्स इसकी स्क्वायर फुट है। तो शाहजहाँ ने सोचा कि उसके दरबार से भी एक ऊंचा दरबार अल्लाह का होना चाहे। ये मस्जिद जो है लाल किले के बिल्कुल सामने बनी है। यहाँ पे एक पहाड़ी हुआ करती थी जिसका कि नाम उजला पहाड़ी था। तो शाहजहाँ ने सोचा कि अल्लाह का दरबार उसके दरबार से ऊंचा होना चाहे, तो यहाँ पे एक पहाड़ी हुआ करती थी, उसी के ऊपर शाहजहाँ ने यह आर्किटेक्चर खड़ा किया। बट आज की डेट में आप देखोगे कोई पहाड़ी नहीं दिख रहेगी, कुछ भी नहीं दिखेगी यहाँ पे। बट ये जो मस्जिद है तब भी ये हाइट पे है, बाकी का जो सारा एरिया इसके आसपास वाला है वो डाउन है। सो भाई लोग, आप खुद देख सकते हो इस मस्जिद के अंदर 99% जो है पत्थर का यूज़ किया गया होगा, बाकी ईंट वगैरह या सीमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया गया है। ना ही इस मस्जिद में कलर हुआ है, जो इसका रियल कलर है पत्थर का वही कलर इसमें है। बाकी आप पीछे का कुछ व्यू एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया, ये चेक करें आप। इस मस्जिद के अंदर एक साथ में 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, 25,000। तो बाकी भाई लोग, जितना नॉलेज मुझे था उतना मैंने आपको बताया। सो मेरे साथ मेरे एक दो फ्रेंड भी हैं, वो अभी बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप सब के साथ थोड़ी बहुत डिटेल्स आप सबको बताऊंगा इस मस्जिद के बारे में और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा। और
जो मेरा भाई दिल्ली आया होगा उसने जामा मस्जिद तो ज़रूर विज़िट किया होगा, और जो भाई नहीं आया होगा वो इस व्लॉग में थोड़ा बहुत जान सकता है, देख सकता है कहाँ पे ये मस्जिद है, क्या है, ये चेक करें। सो देखते हैं, अभी हम भी इसकी टॉप मीनार पे जाएंगे, देखते हैं अगर आया नंबर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ के लिए। सो भाई लोग, अभी हमारी जो है टिकट हो चुकी है, देख सकते हो एक बंदे की 50 रुपये की है। तो अभी हमने मीनार के टॉप पे जाना है, उस वाले टॉप पे जाना है हमने, तो बाकी आप नीचे का कुछ व्यू एंजॉय कर सकते हो। और बाकी आप ये चेक करें, इस मस्जिद के अंदर ओनली पत्थर्स का यूज़ किया गया। सो ये हम आ चुके हैं, चेक करें भाई लोग। एकदम बिल्कुल अंधेरा, ये जो काम हुए हैं ये मुगल टाइम में ही हुए हैं, उसके बाद ऐसा काम ना किसी ने किया ना कोई कर सकता है। ये जो काम है ये शाहजहां का लास्ट काम था। सो भाई लोग, गोल गोल एकदम गोल गोल घूम रहे हैं और बहुत ज्यादा चक्कर आने लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि ये चक्कर गोल गोल ही घूमना है 100 मीटर्स तक। आप सोच, खुद सोचो क्या हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी। और ये तो हम जवानों का हाल है, बुजुर्ग अगर आ गए उनका क्या हाल होगा। सो फाइनली भाई लोग, हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त नजारे आ रहे हैं, आप देख सकते हो पूरा दिल्ली सिटी का व्यू आ रहा है, ये चेक करें आप। इसके सामने राइट फोन भी दिख रहा है इस साइड। बहुत ही ज्यादा हाइट है भाई लोग, बहुत ज्यादा हाइट, एकदम चक्कर आ रहे हैं, आप देख सकते हो, ये चेक करो आप, पूरी दिल्ली की नज़ारे आप यहीं से ले सकते हो, नीचे तो कुछ भी दिखता नहीं है कहाँ पे क्या चीज है। सो ही आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, ये चेक कर सकते हो आप। अभी कोई हम, मुझे लगता है 100 मीटर की हाइट पे होंगे नॉर्मली, और बहुत ही ज्यादा भीड़ है, ये आप इसे का कुछ चेक कर सकते हो। और ऊपर से एकदम चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि गोल गोल घूम के हम टॉप पे पहुंचे। सो अभी हम निकलेंगे वापस, क्योंकि लेट हो गया, हमारी गाड़ी जो है वो 5 बजे घर के लिए, तो अभी हमने वापस निकलना है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नज़ारे थे, बट टाइम का मसला है। नहीं तो किसको मन कर रहा था यहाँ से निकलने का, बट टाइम का। सो फाइनली भाई लोग, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, तो सबसे पहले जाना है रूम पे, वहाँ पे बैग वगैरह है वो उठाते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि पूरी मस्जिद का टूर हो गया, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दी, कहीं थोड़ी बहुत गलती होगी होगी तो माफ़ कर देना, क्योंकि उतना बहुत नॉलेज नहीं है, जितना मुझसे हो सका, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो अभी हम यहाँ से रूम पे जाएंगे, वहाँ से अपने बैग्स वगैरह उठाएंगे, और उसके बाद आप, उसके बाद हम घर की तरफ निकलेंगे। और ये आप पीछे का कुछ मंज़र देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, एकदम मन ही नहीं कर रहा है निकलने का, ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी हम मीनार के टॉप पे गए और बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगा वहाँ पे, क्योंकि हाइट ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ से कुतुब मीनार दिख रहा था, आप सोचो कितनी हाइट हो सकती है, क्योंकि मस्जिद जो है ये पहले से ही एक ऊंचाई पे है, उसके बाद फिर से ऊंचाई पे जाना, आप सोच सकते हो कितना, एक तो गोल गोल घूम के वहाँ पे चक्कर आ गए, ऊपर से हाइट बहुत ज़्यादा हाइट थी। और ये आप बैग का कुछ मंज़र देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, और पैर बिल्कुल शूज़ तो है नहीं, और सॉक्स भी निकाल दिए मैंने, और बहुत ही ज़्यादा हीट है, पैर एकदम गर्म है। और अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह।
निकलते हैं नीचे की तरफ। तो अब यहाँ से सीधा जाएंगे हम रूम पे, उसके बाद निकलेंगे हम घर। सो बाकी भाई लोग, अगर आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो बाकी रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।